स्टूडेंट हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन एंड वेलकम टू दी को स्टडी ऑफिशियल चैनल ऑन यूट्यूब। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल को स्टडी पर। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं एक वीडियो आपको शाम को देने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। जिन स्टूडेंट का आप बोल सकते हैं कैप राउंड वन आ गया है, उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले एडमिशन 2020 इंजीनियरिंग फार्मेसी अदर कोर्सेज। हालांकि यहाँ पे इंजीनियरिंग का मैं पर्सनली बात करूंगा, फार्मेसी वालों का तो हो गया है ऑलरेडी, का कैप राउंड वन एक दिन पहले आया हुआ था इंजीनियरिंग वाले से, तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ कैप राउंड वन 13 जन को, क्योंकि स्टूडेंट 13 जन 2021 को आपका कैप राउंड वन अलॉटमेंट आ गया था। आज की डेट है 14 जनवरी और इवनिंग के समय मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर लाऊंगा ताकि आपके सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। मैं एकदम यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होकर बात करूंगा आपसे, क्योंकि आपकी भविष्य का सवाल, आपके फ्यूचर का सवाल है। तो मैं एकदम यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर खोल के सब कुछ आपको दिखा दूंगा कि क्या होने वाला है आपके साथ, क्या नहीं होने वाला है, किसको सीट अलॉट हुई है क्या करे, जिसको सीट अलॉट नहीं हो उसके लिए क्या करे। तो सभी बच्चों यहाँ पर एक चीज देखना कि पूरा वीडियो देखना, और अगर आपको कोई डाउट इसमें लगता है तो प्लीज राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स और मैं आपको सीधे डायरेक्ट मिलूंगा टेलीग्राम पर। मेरे चैनल का लिंक ऑलरेडी आपको रजिस्टर सॉरी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आज 14 डेट है, MSTCET का कैप राउंड वन का 13 को आ गया था, तो आज 14, 15 एंड 16, ओके स्टूडेंट 3 दिन दिया गया था ताकि आप अपने जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ या फिर नहीं अलॉट हुआ है, तो जो भी अगर आपको अलॉट हुआ है तो आपको क्या करना है, सेल्फ फ्रीज फ्रीज या फिर जो भी ऐसा कोई ऑप्शन था। एंड सेकंड में आपको क्या करना था, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना था, ओके स्टूडेंट। तो आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप फुल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टूडेंट अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके आगे जाते हैं, तो सबसे पहले जो मुझे मिलता है कि उन स्टूडेंट के लिए सबसे पहले बता दूं कि जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने कॉलेज के कॉलेज आपने सिलेक्ट किया था कैप राउंड में और आपने कॉलेजेस को भरे हुए हैं और आपका जो फर्स्ट कॉलेज था उसमें आपका लगा अलॉन्ग विथ योर ब्रांच, आपने जो ब्रांच भरा था और आपने जो कॉलेज भरा था आपको वो कॉलेज और वो ब्रांच मिल गया है फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन लगा है आपके कैप राउंड, ओके जो आपका सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस था कैप राउंड में सबसे फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको मिलता है, उसके बाद आपको क्या करना है उसको हम देखते हैं। आपका जो आता है वो है स्टेप नंबर टू, जो मैंने कि स्टेप नंबर वन और टू मैंने बताया था जब मैं डिस्कस कर रहा था कि मैं शाम को लेके आऊंगा। तो हालांकि उस दिन शाम को वीडियो ये वाला मोड नहीं पहुंच पाया क्योंकि आपका जो है कैप राउंड वन का सीट अलॉटमेंट आ गया था, मतलब कल की डेट में बता रहा हूँ। जिसको फर्स्ट ऑप्शन हुआ उनको सेल्फ वेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा। सेल्फ वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, देखिए सेल्फ वेरिफिकेशन में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कैटेगरी, रिजर्वेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स, स्पेशल रिजर्वेशन। फर्स्ट बात यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, हालांकि इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है सेल्फ वेरिफिकेशन में, अपना नाम चेक करिए स्टूडेंट, मदर्स नेम चेक करिए, फादर्स नेम चेक करिए, आपका किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आपको उस कैटेगरी में मिला है या फिर जो भी आपको कैटेगरी में मिला है, या फिर आप ओपन के लिए लड़ रहे हैं ओपन में मिला है, TFWS के लिए लड़ रहे हैं TFWS में मिला है, EWS के लिए लड़ रहे हैं EWS में मिला है, जो भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला हुआ है और आपको जिस भी ब्रांच में मिला हुआ है उसके अलावा आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको मिला तो सबसे पहले सेल्फ वेरिफिकेशन जाना पड़ेगा और ये ऑलरेडी साइट पे लिखा हुआ है कि सेल्फ वेरिफिकेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपने सेल्फ वेरिफिकेशन में थोड़ी सी भी गलती आपको दिखी और आपने उसे अंदाज से बाहर कर दिया, आपने उसे देखा भी नहीं, ओके स्टूडेंट अगर नहीं देखा तो अगर आपको जो भी मिस्टेक है वो पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग में कैरी आउट होता रहेगा। और अगर ये मालूम चल गया कि कॉलेजेस को कि आपने सेल्फ वेरिफिकेशन ना करके आपने डॉक्यूमेंट अपलोड उन्हें दिखा रहे लेकिन डॉक्यूमेंट मिस्टेक है तो आपके सीट कैंसिल होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आप कैटेगरी अपना चेक कर लीजिए अलॉन्ग विद रिजर्वेशन भी, जिस आपको रिजर्वेशन में मिला वो भी चेक कर लीजिए, सब कुछ राइट है। क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब आपका जो MSTCET का परसेंटाइल था वो भी आप चेक कर लीजिए कि क्या मेरा राइट है, जो शो हो रहा है जो मुझे कॉलेजेस मिले उन पर जो शो हो रहा है क्या वो राइट है। स्पेशल रिजर्वेशन चेक करिए जिनका डिफेंस है और फन है EWS इनको जो बोलते हैं स्पेशल रिजर्वेशन वाले के लिए NTBC विजेंटी, उन लोग भी अपना चेक कर लो ताकि उनका भी कोई डाउट ना रहे। अगर आपको लगता है कुछ आगे पीछे हो गया तो प्लीज ऑप्शन सेकंड में देखिए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन रेज ग्रीवांसेस, आपको ग्रीवांसेस का ऑप्शन दिखेगा अपने डैशबोर्ड पर आफ्टर लॉग इन। ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट में जाना है, फिर आपको लॉग इन करना है, फिर आपको वहां से देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि नहीं मेरा कोई मिस्टेक वहां पर रह गया है, तब आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आप वहां पर ग्रीवांसेस रेज कर सकते हैं। लेकिन रेज जब आप करेंगे आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम को लेकर के जिसका मिस्टेक आपको दिख रहा है कि ये है, तो आपको उसके लिए उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, अगर जो वो बोलेंगे जो कि आपको लिखा रहेगा। और वो जो आप ग्रीवांसेस रेज करेंगे वो जाएगा सीधा ई स्क्रूटनी सेंटर के पास, ई स्क्रूटनी सेंटर आपका वापस से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। और स्टूडेंट अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई रहेगा, अगर उन्हें उनको लगा कि नहीं कोई भी मिस्टेक नहीं है,
देन आपका सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है कि सीट कैंसिल होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो प्लीज आप सेल्फ वेरिफिकेशन जरूर करना, पूरी की पूरी अपनी जांच अपनी तरफ से बरकरार रखना, एक भी गलती मत करना। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सेल्फ वेरिफिकेशन के बाद जो आपका ऑप्शन जो खुलता है आपको देखने के लिए वो रहेगा ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज आपको नहीं दिखेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कंप्यूटर दादा बैठे रहते हैं आपके साथ जो है कंप्यूटर, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो हमारे कॉलेजेस में है, वो ऑलरेडी आपको ऑटो फ्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज डाला था अलॉन्ग विद द ब्रांच, उस कंप्यूटर को क्या लगा आपके लिए ये एकदम बेस्ट है, क्योंकि आपने पहला प्रेफरेंस डाला हुआ है, तो कंप्यूटर ही आपको ऑटो फ्रीज कर देगा। और ऑटो फ्रीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑटो फ्रीज का मतलब होता है मिली हुई सीट आपको लेनी ही होगी। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑटो फ्रीज आप कर रहे हैं, मतलब आपका सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला हुआ है और आपको वही सीट लेनी पड़ेगी। क्यों आपको वही सीट लेनी पड़ेगी? क्योंकि आपने उसे ऑटो फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला था। इसका मतलब आपने अपने बेस्ट करियर के लिए आपने सबसे पहला प्रेफरेंस चूज किया था, इसलिए आपको वो सीट लेनी पड़ेगी। और अगर आप सीट नहीं लेते हैं स्टूडेंट, तो वो सीट चली जाएगी, अपने हाथ से चली जाएगी। और आपको दूसरा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है सिस्टम विल ऑटो फ्रीज योर ऑप्शन, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टम ही ऑटो फ्रीज कर देगा। एंड ऑटो फ्रीज होने के बाद मैं आपको बता दूं कि आप कैप राउंड टू क्वेश्चन, जो कैप राउंड टू होने वाली है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपके मन का नहीं यहाँ पे होने वाला है, कंप्यूटर ही करेगा, कंप्यूटर आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देगा इन द कैप राउंड टू। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि जब आप कॉलेज के कैप लिस्ट भरने रहेंगे तो बड़े ही सावधानी से भरना, क्योंकि कॉलेज के कैप लिस्ट में आपको मालूम चलना चाहिए कि आपको कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑटो फ्रीज को लेकर के, फर्स्ट प्रेफरेंस को लेकर के, तो मिली हुई सीट आपको लेनी होगी क्योंकि आपने सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस भरा था। और दूसरी बात, सिस्टम विल जनरेट ऑटो फ्रीज टू योर ऑप्शन, तो वो सिस्टम ही ऑटो फ्रीज कर देगा, जो कि आपके लिए इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है जिनको भी फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हुआ है। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपको ऑटो फ्रीज का मिला हुआ है तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि उसके बाद जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि वो रहेगा सीट एक्सेप्टेंस फी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी को लेकर के या फिर सेल्फ वेरिफिकेशन को लेकर के, तो मैं बता दूं कि जो सेल्फ वेरिफिकेशन वो आपको खुद करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें मिस्टेक है या फिर नहीं, आपको ग्रीवांसेस रेज करने या फिर नहीं है। और जो दूसरा स्टेप आता है ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज या फिर नॉट फ्रीज बेटरमेंट वालों के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्या है, ऑलरेडी वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, कंप्यूटर दादा जो बैठे हैं वहीं आपका ऑटो फ्रीज कर देंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो है आपका सीट एक्सेप्टेंस फी। सीट एक्सेप्टेंस फी का मतलब होता है कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसका फी नहीं बात कर रहा हूँ, जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है ऑनलाइन, उस सीट को रिजर्व करने के लिए, जिस भी कॉलेज में आपको अलॉट हुई है उस सीट को रिजर्व करने के लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी पड़ेगी। क्यों भरनी पड़ेगी? क्योंकि अगर आप फी भरेंगे तभी उनको मालूम चलेगा कि नहीं, आप इस कैटेगरी, इस सीट के लिए आप अवेलेबल हैं, आप ये सीट लेना चाहते हैं, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी भरेंगे। और अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं भरा स्टूडेंट, तब आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको आपके हाथ से वो सीट की जो भी है चली जाएगी। ओके, तो हम सीट एक्सेप्टेंस फी के ऊपर तीन चीजें बात करेंगे। देखिए, आपको तीन चीजें देखने के लिए मिल जाएगी, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। तो तीन चीजें मैं आपको देखने के लिए ये मिल रही कि आरएस 1000 यू हैव टू पे फॉर द सीट एक्सेप्टेंस, लास्ट ईयर 1000 रुपीज था, तो इस बार भी इसके अकॉर्डिंग आगे पीछे जो भी रहेगा यही रहेगा। ओके, दूसरी है यू हैव टू पे ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड। इस बार सीट एक्सेप्टेंस फी हर बार ही सीट एक्सेप्टेंस फीस, ध्यान से सुनना, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी पड़ती है। ऑनलाइन का मतलब आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, ऑफलाइन से यहाँ से कोई लेना देना नहीं। जब आप इंस्टीट्यूट पर जाएंगे, जब अपने कॉलेज पर जाएंगे, तो आपको वहाँ पे डीडी कैश भी, जिससे भी डील करना है, जिस फीस जो भरना है आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा, वो ऑफलाइन होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वो सीटें ऑनलाइन ही भरनी पड़ेंगी, ऑनलाइन ही आपको फी 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या लिखा है, जो स्टूडेंट ऑनलाइन एक्सेप्टेंस फी नहीं भरेंगे उन्होंने सीट छोड़ दी है ऐसा समझा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सपोज दैट आपको फर्स्ट सीट अलॉट हुई, और फर्स्ट सीट जो आपको अलॉट हुई और आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हालांकि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि आपका थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए, 1% आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सीट एक्सेप्टेंस फी की बात करते हैं तो वो डेट आपको दी गई है 14 से लेकर 16 तारीख तक। ओके, तीन दिन आपको पूरा भरपूर दिया गया है, इसमें आपको सोच सकते हैं कि आपको मुझे ये कॉलेज लेना है या फिर नहीं लेना है। ओके, अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं भरी है तीन दिन के अंदर, तो आपका जो सीट मिला हुआ है स्टूडेंट, हालांकि जो मैं फर्स्ट, अगर जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस में ही अगर आपने वो सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं भरा तो आपको वो सीट चली जाएगी, एंड ऑलरेडी यू आर नॉट अलाउडेड टू पार्टिसिपेट इन द कैप राउंड टू, मतलब आप पूरे के पूरे सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गए। तो प्लीज, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला हुआ है, देन प्लीज सीट एक्सेप्टेंस फी भर के आप अपना सीट रिजर्व करा लीजिए, एंड
आप कॉलेज में जाके आप अपना एंट्री करा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट बात उन लोगों के लिए हो गई जिनका फर्स्ट कैप राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस मिला हुआ था अलॉन्ग विद द ब्रांच। हालांकि फर्स्ट प्रेफरेंस मिला हुआ इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अच्छा ही कॉलेज जरूर भरा होगा। मैंने सब लोगों को बोला था कि आपने जितना भी आपको परसेंट आया है उससे कोई मतलब नहीं, पहला ब्रांच आपको COEP में कंप्यूटर साइंस डाल लो अलॉन्ग विद VJTI कंप्यूटर साइंस का ब्रांच डालो, चाहे जितना आपका परसेंट आया हो। क्योंकि अगर पहला राउंड मिल भी जाता, हालांकि कम परसेंटाइल वाले को तो मिलता नहीं, अगर पहला राउंड मिल भी जाता है तो कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, इसलिए मैंने बोला था कि सब लोग सबसे पहले COEP डाल देना। ओके, तो ये उन बात उन स्टूडेंट के लिए हो गई जो सीट फी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पेड करेंगे तो आपको सीट छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा मतलब क्या होता है, आपका सीट वहां से खराब हो जाएगी तो दूसरे स्टूडेंट के लिए वो सेकंड राउंड में ओपन हो जाएगी। उन लोगों के लिए वहां पे आप बोल सकते हैं एडमिशन होना वहां पे स्टार्ट हो जाएगा कैप राउंड 2 में, जो कि उनको सीट खाली मिलेगी तो अपना भरना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज ऐसे मिस्टेक मत करना कि सब कुछ होने के बाद आपने सीट एक्सेप्टेंस फी 1000 रुपीज नहीं करी, तो थोड़ी सी भी मिस्टेक आपकी होल करियर को खराब कर सकता है। स्टूडेंट इसके बाद हम आगे चलते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीट एक्सेप्टेंस फी के बाद। मैं अभी तक फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही चल रहा हूँ, इसके बाद मैं आऊंगा देखने के लिए मिलेगा जो कि आप बोल सकते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी के बाद आपको क्या देखने के लिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। सीट एक्सेप्टेंस फी पेड करने के बाद मैं ये प्रीफर ज्यादा स्टूडेंट को करता हूँ कि आप अलॉट कर जाइए उन जो भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट मिला हुआ है वहाँ पे रिपोर्टिंग करिए। रिपोर्टिंग करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि वहाँ का फी कितना है, आपको देखने के लिए ऑलरेडी मिल जाएगा कि अगर उनके साइट पर है। ओके, तो आप उनका फी पेड करिए फर्स्ट ईयर का जो भी है और फिर आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। तो ये हो गया सीट एक्सेप्टेंस के बाद का प्रोसीजर। उसके बाद देखिए रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा हमारा पॉइंट है। सबसे पहले यू नीड टू गो इन अ कॉलेज ऑफलाइन टू टेक द एडमिशन, इसका मतलब होता है यहाँ पर जब आप कॉलेज को जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज हुआ जब वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ऑनलाइन से वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन का काम बस सिर्फ आपका कैप राउंड 1 अगर आपको कॉलेज मिल गया वहीं पर खत्म हो जाता है सीट फी एक्सेप्ट करने के बाद। ओके, एक्सेप्टेंस फी भरने के बाद आपका सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब जो करना है वो स्टूडेंट आपको करना है ऑफलाइन के थ्रू। तो सबसे पहला आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर जो भी कॉलेज में आपको जाना, यू नीड टू गो इन कॉलेज इन ऑफलाइन टू टेक एडमिशन इन द ड्यू डेट ऑफ 14 जन टू 16 जन 2021। ये मैं प्रेफरेबली इन स्टूडेंट के लिए ज्यादा बोलूंगा कि सब स्टूडेंट के लिए ज्यादा बोलूंगा कि अगर 14 जन से लेकर 16 जन तक आपका क्या है पहले ध्यान से सुनिएगा। हालांकि ये डेट सही नहीं है, मैं फिर से बोला 14 जन से लेकर 16 जन 2021 तक डेट जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप जितना जल्दी करेंगे ओकेशन जितना जल्दी करेंगे आप उतने पूरे चांसेस बन जाते हैं आपका कॉलेजेस लेने के लिए। 14 जन टू 16 जन उन स्टूडेंट को लिए बोल रहा हूँ जिनका ओकेशन जिनका फिक्स हो गया कि नहीं मुझे यही कॉलेजेस लेने हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि 14 जन से 16 जन 2021। हालांकि अगर आप सेकंड राउंड भी कैप राउंड उसके बाद भी एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे जिनका फर्स्ट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ओकेशन तो मैं ये अब 14 से लेकर 16 जन तक एक्सेप्शन में रखता हूँ, जिन स्टूडेंट के लिए अलॉट हुए उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, या फिर जिनको फिक्स हो गया है कि नहीं मुझे यही कॉलेज लेना है, तो ये 14 से लेकर 16 जन तक मैं बोलूंगा कि प्रीफरेबली जाके आप फटाफट से काम करवा लीजिए। अगर पीछे जितना रहेंगे उतना ज्यादा आपको दिक्कतें देखने के लिए मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर, फी और डॉक्यूमेंट सबमिट करें। जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे सबसे पहली बात उनकी 1 ईयर की आपकी जो भी फीस जैसे भी उन्होंने उनको अलॉट करनी है आपको उस तरीके से फी आपको भरनी पड़ेगी, जिस भी थ्रू DD के थ्रू कैश के थ्रू जैसे भी आपका ऑनलाइन पेमेंट जैसे भी आप करेगा आपको फी भरना पड़ेगा। अलॉन्ग विद द फी यू नीड टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट इन द कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट सीटी सेल में भरे थे, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आपने जितने भी डॉक्यूमेंट भरे थे कैप राउंड के थ्रू जब आपने डॉक्यूमेंट सब अपलोड किए थे, ऑल दोज डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉलेजेस। कॉलेजेस को वो डॉक्यूमेंट चाहिए तभी कॉलेजेस आपको वो डॉक्यूमेंट लेगा एंड देन कॉलेज इटसेल्फ वेरीफाई इट। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं आता है, आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं आता है, तो वो आपको एडमिट करा लेंगे अपने कॉलेज में। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम उन्हें दिखा, मिस्टेक दिखी, तो आपसे वो सेल्फ ग्रीवांसेस रेज करवाएंगे और आपको वापस से प्रोसेस करना पड़ेगा। तो प्लीज डॉक्यूमेंट आपका सब कुछ रेडी होना चाहिए, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से होना चाहिए, कोई भी वहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 आपको देखने के लिए मिल रहा है, इफ यू डू नॉट हैव कंप्लीट डॉक्यूमेंट यू मे लूज योर अलॉटेड सीट एंड देन यू हैव टू रेज ग्रीवांसेस। मतलब अगर आपके पास जितने भी आपने अगर आपने सपोज दैट EWS के लिए सीट भरा हुआ था और मालूम चला कि आपका EWS का अभी तक बना ही नहीं है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना ही नहीं है, सो प्लीज ऐसा मत करिएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं और आपने EWS का सीट भर के आपको कैप राउंड 1 में मिल गया है।
तब आपका क्या होगा कि वहां पर जो आपने कैप राउंड वन में आपको जो AWS का सीट मिला है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि आपको ओपन कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाएगा और आपको सेकेंड राउंड में आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास उसका रिसिप्ट, आपने रिसिप्ट भरा हुआ है तो आपको ऑलरेडी आएगा, तो आपको वहाँ से ग्रीवांसेस रेज करने पड़ेंगे। तो ये हो गई सीट एक्सेप्टेंस फी के बाद अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट हुई है वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा, ऑनलाइन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, फी आपको पेड करना पड़ेगा। और तीसरी बात, आपको डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद दी फी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट पेड देना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोचूंगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट वो एकदम आपका प्योर, मतलब आपका जो भी अभी तक आपने कैप राउंड के थ्रू भरा हुआ है वो स्टूडेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट कैप राउंड के थ्रू भरा है आपका वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा अलॉन्ग विद दी जेरोक्स। तो आप दोनों ही सब कुछ एकदम अच्छे से करा के जाना। और तीसरी बात, अगर आपके पास अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं आया हुआ है तो आपका सीट कैंसिल होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो आप प्लीज़ सेकेंड राउंड में आप अगर आपका नहीं आया जो भी डॉक्यूमेंट तो आप ओपन कैटेगरी के लिए लड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा इन द कैप राउंड टू। अब हम स्टूडेंट इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इफ़ यू विल गेट कॉलेज अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस 80% ऑफ द कैंडिडेट, ओके 80-90% ऑफ द कैंडिडेट जो भी हैं तो वो इन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस में कॉलेज नहीं लगा हुआ है। तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखिए, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं लगा तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन खुल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए खुलता है सेल्फ वेरिफिकेशन। सेल्फ वेरिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बताया, MSTCT के साइट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि सेल्फ वेरिफिकेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट। सब स्टूडेंट को सेल्फ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगेन, क्या सेल्फ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वही चीजें, कैटेगरी रिजर्वेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स, स्पेशल रिजर्वेशन, ओके, यू नीड टू हैव द प्रॉब्लम, देन यू कैन रेज द ग्रीवांसेस। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप सब चीजें को एकदम बारीकी से समझ लेना, एकदम अच्छी तरह से आप सब कुछ देख लेना, कहीं आपका मिस्टेक तो नहीं। अगर आपका मिस्टेक पाया गया और आपने कॉलेज अलॉटेड में अलॉटेड कॉलेज की तरफ अगर आप गए कॉलेज को एडमिट करने के लिए, अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अगर आपको वहाँ पे भी देखने के लिए कॉलेज को मिल गया कि नहीं मिस्टेक है, तो आपको वो सीट कैंसिल होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तब आपको रेस ग्रीवांस करना पड़ेगा, ग्रीवांसेस को रेस करना पड़ेगा जो भी आपका डॉक्यूमेंट को लेकर के प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट, अब आपको चलते हैं सेल्फ वेरिफिकेशन के बाद आपका कौन सा स्टेप है। सेल्फ वेरिफिकेशन के बाद आपके दो स्टेप खुल जाते हैं। वोकेशन सेल्फ वेरिफिकेशन के साथ आपके दो स्टेप खुल जाते हैं, उन लोगों के लिए खुल रहे हैं जिनको सीट फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट नहीं हुई है, मतलब कैप राउंड में तो उनका कॉलेज मिला हुआ है अलॉन्ग विद दी ब्रांच, बट उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। सेल्फ वेरिफिकेशन उनका सबसे फर्स्ट स्टेप है, ओके। उन और दूसरे स्टेप में उनके लिए दो बातें खुल जाती हैं। सबसे पहली बात, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेड, दो स्टूडेंट हुए पेड दी फीस। सेल्फ वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया, उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको सेल्फ रीज करना पड़ता है या फिर बेटरमेंट के लिए आपको जाना पड़ता है। इन सब करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, सीट एक्सेप्टेड की फीस भरनी पड़ती है, जो आपको सीट एक्सेप्टेंस की 1000 रुपीज आपको भरने पड़ेंगी। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फी पेड किए हुए हैं या जो फी पेड करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें सीट लेनी है, उन बच्चों के लिए है। और दूसरी है सीट नॉट एक्सेप्टेड, उन बच्चों के लिए सीट नहीं एक्सेप्ट होगी, सीट खाली बेकार चली जाएगी, दो स्टूडेंट हु डजंट पेड दी फीस। ओके स्टूडेंट, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे ना लग के, ओके स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा, अगर आपका कैप राउंड वन हुआ है और फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज आपको नहीं मिला, बट आपको और भी फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा भी कॉलेज मिले हुए हैं, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेड करनी पड़ती है। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पेड की है तब आपको क्या बोल सकते हैं, कॉलेज आपका वो सीट आपके लिए रिजर्व हो गई है। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी ड्यू डेट मतलब 14 से लेकर 16 तारीख तक के अंदर आपने फी नहीं की, तो वो कॉलेज का जो सीट आपके अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा आपके लिए और आप वहाँ पे देखते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं वहाँ से होने वाला है। तो प्लीज़ सीट एक्सेप्टेंस की फी आपको भर दीजिए। और सीट एक्सेप्टेंस की फी मैं बता दूँ, पूरे कैप राउंड वन और कैप राउंड टू में एक ही बार भरते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सीट नॉट एक्सेप्टेड उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं भरे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीट नॉट एक्सेप्टेड वालों के लिए, उन लोगों के लिए क्या है। सबसे पहले देखिए, आपने सीट छोड़ दी और अब आप कैप राउंड टू में पार्टिसिपेट करें। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले मैं ये प्रेफरेंस किसी को नहीं बोलूंगा कि ये प्रेफरेंस चूज करें। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है तो पहला क्या करिए, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेड कर दीजिए और उसके बाद आप बेटरमेंट के लिए चले जाइए। ओके स्टूडेंट, आप बेटरमेंट के लिए कैप राउंड टू में लड़िए। ऐसा कभी मत करना कि सीट का फी मैंने पेड नहीं किया और मैं कैप राउंड टू के लिए पार्टिसिपेट करूंगा, ऐसा कभी मत करना। पहले आप क्या करना कि सीट एक्सेप्टेंस की फी पेड कर देना, उसके बाद आप राउंड टू के लिए आप पार्टिसिपेट करना। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने सीट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं ये चॉइसेस को अलग कर देता हूँ कि ऐसा कभी कोई मत करना। अब हम चलते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट सीट एक्सेप्टेड, जिनका स्टूडेंट का सीट एक्सेप्ट हुआ है, दो स्टूडेंट हु हैव पेड दी फी। उनके बाद आपको क्या करना, आपके लिए एक और खुल जाता है। देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा, सेल्फ फ्रीज। ओके स्टूडेंट, सेल्फ फ्रीज आपके लिए खुल जाएगा और सेल्फ फ्रीज में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा,
जो आपको कॉलेज मिला है आप उसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तब आपको सेल्फ फ्रीज करना होगा। इसका मतलब क्या होता है, आपको पहली बात तो फर्स्ट प्रेफरेंस की कॉलेज अलॉट नहीं हुई, और फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद अगर आपको दूसरी कोई कॉलेज अलॉट हुई है, अगर आपने सेल्फ फ्रीज कर दिया, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, अगर आपने सेल्फ फ्रीज कर दिया इसका मतलब ये होता है मैं स्वयं को ही बस इसी कॉलेज में दाखिला करवाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अब सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है अलॉन्ग विद ब्रांच आप उसी में रहना चाहते हैं, आप उसी से संतुष्ट हैं, इसीलिए आप सेल्फ फ्रीज करें। ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है। तो सेल्फ फ्रीज वही स्टूडेंट करेंगे जिनको कैप राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं करना है, जिनको बेटरमेंट के लिए नहीं जाना है, वही सेल्फ फ्रीज करना, और आपको लगता है कि यही कॉलेज मुझे फ्यूचर में लेके चलना, यही अलॉन्ग विद ब्रांच यही कॉलेज, तभी आप सेल्फ फ्रीज करना। दूसरा पॉइंट, यू आर नॉट अलाउडेड टू पार्टिसिपेट इन द कैप राउंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कैप राउंड टू में अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ फ्रीज का बटन ओके कर दिया है। तो सेल्फ फ्रीज ध्यान से करना। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप बहुत ध्यान से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको लगता है कि अगर जो आपको कैप राउंड वन में सीट अलॉट हुई है उससे आपको लगता है कि इससे और अच्छा मुझे मिलने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और आप देख सकते हैं केमिस्ट्री सीट इन्हें ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जितने भी इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में सबका लगा दिया है अलॉन्ग विद स्टूडेंट नेम, किन किन को कौन सा ब्रांच मिला हुआ है, कितने सीट खाली है, कितने सीट इनटेक है, सब कुछ आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से ये सेल्फ फ्रीज वाला ऑप्शन चूज करना, क्योंकि अगर आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया है तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं होंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको वही कॉलेज और वही ब्रांच हमेशा लेके चारों साल लेके चलना है। तो प्लीज़ बिफोर डूइंग एनीथिंग आप कंसल्ट कर लेना किसी से भी, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर हम आपसे जुड़ जाएंगे, एंड आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। तो सेल्फ फ्रीज करने से पहले आप दो तीन बार सोच लेना कि क्या आपको यही कॉलेज चाहिए, तभी आप सेल्फ फ्रीज करना। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन द सेकंड कैप राउंड, देन सेल्फ फ्रीज मत करना, उसके लिए और ऑप्शन खुल जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सेल्फ फ्रीज को लेकर के आगे क्या है, आगे है आपका देखने के लिए मिल जाएगा रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इसका मतलब सेल्फ फ्रीज करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, वही सेम थिंग जो मैंने अभी लास्ट में बताया, अलॉट का रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट को, आपको जो भी उनका फी है आपको वो पेड करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द लेटर जो भी आपको लास्ट मिल जाएगा सीट एक्सेप्टेंस फी करने के बाद आपको लेटर मिल जाएगा, वो लेटर आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा। लेटर दिखाने के बाद आपको फी पे करना पड़ेगा उनका, जो भी फी होगा या तो डीडी के थ्रू या तो कैश के थ्रू या फिर ऑनलाइन, जो भी उन वो पेमेंट ले रहे हैं जिस हिसाब से ले रहे हैं आपको उस हिसाब से उनका पेमेंट फी पे करना पड़ेगा, और आप तब वहाँ पे एडमिशन जाके ले सकते हैं। अगेन जब आप इंस्टीट्यूट को जो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट हुआ जब वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे आपको अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके जाना है अलॉन्ग विद द ओरिजिनल एंड जीरोक्स भी आपको लेके जाना पड़ेगा। तो मैं यहीं आपसे सब कुछ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो स्टूडेंट कॉलेज को अलॉट करने से पहले आप सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट क्लियरली मेंशन कर लेना कि क्या मेरा सब कुछ क्लियर राइट है या फिर कोई भी मिस्टेक है, तो आप सब कुछ घर से ही करके कंप्लीट होकर जाना। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट सेल्फ फ्रीज करने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो सेकंड ऑप्शन खुल जाता है, उन स्टूडेंट के लिए जो नॉट फ्रीज या बेटरमेंट के लिए जाने वाले हैं। नॉट फ्रीज और बेटरमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, गो फॉर द सेकंड कैप राउंड। नॉट फ्रीज और बेटरमेंट के लिए क्या होता है, देखिए नॉट फ्रीज और बेटरमेंट ये स्टूडेंट उन लोगों के लिए होता है जिन स्टूडेंट को फर्स्ट कैप राउंड में सीट अलॉट हुई है, और जो फर्स्ट कैप राउंड में सीट अलॉट हुई है उन्हें लगता है कि नहीं, मैं अगर मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा तो मुझे इससे बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, वो स्टूडेंट नॉट फ्रीज बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करें। क्योंकि जब आप बेटरमेंट और नॉट फ्रीज का ऑप्शन चूज करते हैं तो आप सेकंड कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए भरपूर आप हिस्सेदार बन चुके रहते हैं। तो प्लीज सेल्फ फ्रीज और ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज और नॉट फ्रीज बेटरमेंट में जमीन और आसमान का अंतर है। इन दोनों को चूज करने से पहले आप दो तीन बार सोच लेना कि मुझे नॉट फ्रीज बेटरमेंट के लिए जाना है या फिर सेल्फ फ्रीज के लिए जाना है। जो स्टूडेंट नॉट फ्रीज बेटरमेंट के लिए जाते हैं उनका कैप राउंड टू में वो एलिजिबल हो जाते हैं, वो आप वापस अपना कॉलेजेस को भर करके कैप राउंड टू में एडमिशन अगर उन्हें कॉलेज मिलता है तो ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, गो फॉर कैप राउंड टू के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन खुलता है आपके लिए, ये ऑप्शन खुल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन जो देखने के लिए आपको मिल जाएगा वो रहेगा यू हैव द फुल अथॉरिटी टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज इन ऑप्शन फॉर्म, अगर आप कैप राउंड टू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कैप राउंड टू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो नॉट फ्रीज बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, जो सेल्फ फ्रीज के लिए जा रहे हैं उनको तो यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है, आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट है वहाँ पर रिपोर्ट करना है। बट जो स्टूडेंट नॉट फ्रीज बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं उनको जो सीट अलॉट हुई है वो तो रिजर्व रहेगी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद, और उसके बाद आप बोल सकते हैं कैप राउंड टू में जा सकते हैं। और जैसे आपने कैप राउंड टू में एंट्री मारा आपके लिए क्या होता है, जो आपका जो प्रेफरेंस लेवल आपने कॉलेजेस का डाला हुआ है वो आपको फुल अथॉरिटी है प्रेफरेंस लेवल चेंज करने के लिए। लेकिन
आपने जो प्रेफरेंस लेवल चेंज किया या फिर जो आप नया प्रेफरेंस लेवल भर रहे हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट या आगे आने वाले पॉइंट में आपको डिस्कस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन क्या खुलता है, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला उससे वापस से सेकेंड राउंड में भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए क्यों नहीं भरने की जरूरत है, देखिए सबसे पहली बात, अगर आप जो सबसे पहले का राउंड वन में आपको जैसे कोई भी कॉलेज मिल गया है और आप सेकेंड राउंड में वापस से अगर वही कॉलेज भरेंगे तो वापस से अगर आपको वही कॉलेज मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं। सो प्लीज जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस मिले हुए हैं स्टूडेंट, जो आपको सबसे फर्स्ट पहले राउंड में कॉलेज मिले हैं अलॉन्ग विद द ब्रांच, उसे आप सेकेंड राउंड में वापस से मत भरिएगा और ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर वापस से भरते अगर आपको वही कॉलेज मिल जाता है तो कोई फायदा नहीं। तो प्लीज उस कॉलेज को हटा दीजिए लिस्ट से, अपने अगर प्रेफरेंस लेवल को अगर आप चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया दो पॉइंट, और भी हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने क्या अभी बोला कि आपको फुल अथॉरिटी है चेंज प्रेफरेंस कॉलेजेस का प्रेफरेंस चेंज करने के लिए, तो हम अब उसके ऊपर बात करें। तो पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किए, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, द कॉलेज इन द सेकंड राउंड कंसीडर एज अ बेटरमेंट। ओके, तो बेटरमेंट कॉलेज जो आपको सेकंड राउंड मिला वो कंसीडर एज अ बेटरमेंट के लिए किया जाएगा। इसके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कस ये करेंगे। देखिए जो आपका जो सेकंड राउंड में कॉलेज का अलॉट हुआ है, अगर आपको फर्स्ट कॉलेज से बेटर मिलता है तो आपको मिस सीट मिल जाएगी, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉलेज इन द सेकंड राउंड कंसीडर एज अ बेटरमेंट अगर आपको मिला हुआ है इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट राउंड। ओके, जब आप कैप राउंड टूर के लिए जाते हैं तो आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या खुलता है, आपको प्रेफरेंस कॉलेज प्रेफरेंस लेवल आप चेंजेस कर सकते हैं उसमें। दूसरा, जो आपने फर्स्ट कॉलेज आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला उसे भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भरते हैं अगर आपको वापस वही कॉलेज मिलता है तो कोई आपका फायदा नहीं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने से। तीसरा, द कॉलेज इन द सेकंड राउंड कंसीडर एज अ बेटरमेंट। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपको दूसरे राउंड में, ये देखिए कोई नहीं बताता तो मैं आपको एकदम अच्छे से बता रहा ताकि आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए एकदम। अगर आपको दूसरे राउंड में इससे बेटर कॉलेज मिलता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस का मतलब जो आपने प्रेफरेंस सेकेंड कैप राउंड के लिए भरा है, अगर कोई स्टूडेंट प्रेफरेंस नहीं चेंज कर रहा कोई बात नहीं, आप फ्री हैं। फ्री इसलिए हैं कि आप प्रेफरेंस लेवल को जो आपने फर्स्ट कैप राउंड के लिए भरा था उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू चेंज आप ये चीज ध्यान रख लेना कि अगर आपको दूसरे राउंड में इससे बेटर कॉलेज मिलता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, जो आपने प्रेफरेंस भरा हुआ है सेकेंड राउंड में, तो आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा और आपका फर्स्ट कॉलेज कैंसिल हो जाएगा। जो आपको कैप राउंड वन में कॉलेज मिला वो कैंसिल हो जाएगा इफ आपको सेकंड कैप राउंड में प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इससे बेटर कॉलेज मिला है। ओके स्टूडेंट, अगर आपका प्रेफरेंस नंबर कैप राउंड वन के कॉलेज का जो अलॉट हुआ उस नंबर से कम है प्रेफरेंस लेवल में, अगर आपका नंबर कम है तो आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला उसकी सीट मिल जाएगी, और जो कैप राउंड वन में जो कॉलेज मिला है उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आप उस सीट के लिए अप्लीकेबल फिर आप नहीं रहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले पे, चौथा क्या देखिए बोल रहा है, हालांकि ये फिफ्थ पॉइंट होना चाहिए, अगर आपको दूसरे राउंड में इससे बेटर कॉलेज नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस तो आपका यह कॉलेज कैंसिल हो जाएगा और आपको फर्स्ट राउंड का कॉलेज लेना पड़ेगा। मैं देखिए एकदम श्योरली शॉर्ट एकदम, मैं आपको ऑलरेडी बोला था कि मैं आपसे इस वाले वीडियो में एकदम खुल के बात करूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो इन इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था, हालांकि मुझे पर्सनल भी मैसेज बहुत आ रहे थे कि सर अगर सेकंड राउंड में मैं गया और मुझे इससे अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या होने वाला है, अगर इससे अच्छा मिल गया तो क्या होने वाला है, या फिर हो सकता है कॉलेज ही ना लगे उन लोगों के बारे में क्या हुए। तो आज सब कुछ देखिए मैं आपको खुल के एकदम बात कर रहा हूँ आपसे साथ। तो अगर आपको दूसरे राउंड में स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, अगर आपको दूसरे राउंड में इससे बेटर कॉलेज मिल जाता है तो आप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट राउंड का जो आपको कैप मिला हुआ है सीट मिली हुई है वो कैंसिल हो जाता है। अगर आपको दूसरे राउंड में इससे खराब कॉलेज मिलता है, खराब कॉलेज हमारे आपसे कोई मतलब नहीं है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आपको कैप राउंड वन में प्रेफरेंस अगर आपका 7 नंबर का कॉलेज मिला था और आपको मालूम चला कि आपका जो सेकंड कैप राउंड में वो 10 नंबर का कॉलेज मिला तो आपका जो सेकंड राउंड का वो सीट कैंसिल हो जाएगा, आपको 7 कैप राउंड, जो कैप राउंड वन में ही आपको मिला था प्रेफरेंस नंबर 7 का कॉलेज वही आपको मिल जाएगा। बट इफ इन द कैप राउंड टू आपको 6 या 5th नंबर का प्रेफरेंस मिल गया और आपको कैप राउंड वन में 10 नंबर का प्रेफरेंस मिला था तो आपको जो कैप राउंड टू में 6 या 5th नंबर का प्रेफरेंस मिला आपको वो कॉलेज चूज करना पड़ेगा और आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपको कैप राउंड वन में मिला था जो भी नंबर का प्रेफरेंस मिला था वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि इन चीज़ों को लेकर के थी, जो कि बहुत सारे मैसेजेस इन लोगों के ऊपर आ रहे थे। स्टूडेंट आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर आपको प्लीज समझ में आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एक लाइक तो बनता है इसके लिए क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगते हैं इन सब वीडियोज को बनाने के लिए। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ, इसके आगे तरफ ये देखने के मिल जाता है कोई भी कॉलेज ना मिला तो या फिर कोई ऑप्शन नहीं मिला तो क्या करें। देखिए ऐसे आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको फर्स्ट कैप राउंड में कॉलेजेस नहीं मिले होंगे, महाराष्ट्र सिटी में नहीं मिला होगा कैप राउंड के थ्रू, बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्योंकि परसेंटाइल कम होने के चलते या फिर रैंक कम होने के चलते उनका कॉलेज में अलॉट नहीं हुआ है।
तो उनके लिए क्या करें, सबसे पहले आपके लिए ऑप्शन क्या खुल जाता है, गो फॉर द कैप राउंड टू। सबसे बेटर ऑप्शन है ये कि आप सबसे पहले कैप राउंड टू के लिए पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि कितने सीट वैकेंट है। तो सबसे पहले देखिए, कैप राउंड टू जाने से पहले आपको ऑलरेडी एमएससी सीटी के साइट पर देखने के लिए मिल जाएगा, फाइनल अलॉटमेंट स्टेटस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि कितने कॉलेज के सीट खाली हैं, कितने इनटेक उन्होंने लिए हैं, कितना TFWS के लिए खाली, कितना EWS वालों के लिए खाली है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, सॉरी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा फुल सीट है, पैक हो चुका है, मतलब भर चुका है। तो उन कॉलेजेस को आप अपने लिस्ट में मत डालना। जिन कॉलेजेस का सीट वैकेंट है और जिन कॉलेज का आपको लगता है कि नहीं मेरे परसेंटाइल के आगे पीछे लग रहे हैं कॉलेजेस, तो आप उन कॉलेज को कैप राउंड टू में जरूर भरना। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, इसका आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि इस राउंड में आपने जो भी गलतियां की हैं उसे ठीक करना होगा। क्या आपने गलती की थी, देखिए उसे सुधार कीजिए। क्या आपने अपने मेरिट मार्क्स के मेरिट रैंक के हिसाब से अपने कॉलेजेस को चूज किए थे, अगर नहीं चूज किए थे तो अब कॉलेज जो सेकेंड राउंड कैप होने वाला है उसमें चूज करिए। आप अपने प्रेफरेंस लेवल को चेंज करिए, प्रेफरेंस जो आपने दिया था कॉलेज को लेकर उसको चेंज करिए। आपका अपनो जो भी आपका ब्रांच लग रहा है उसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। ओके जन, तो इस राउंड में आपने जो भी गलतियां की हैं उसे आपको ठीक करना होगा। अगर आपने ठीक नहीं किया तो अगेन आपको अगर हो सकता है सेकेंड राउंड में भी चांसेस ना मिले तो आपको इंस्टीट्यूट लेवल में जाना पड़ेगा, जो कि उनका फी जो है इतना आसमान छूता तो आप ऑलरेडी उसका जानते हैं। ओके जन, तो ये होगा सबसे पहली बात। अब हम चलते हैं दूसरी बात की तरफ। सेकेंड राउंड अंतिम राउंड होगा, यह बात ध्यान में रखें। इस बार थर्ड कैप राउंड नहीं होने वाला है, ये ऑलरेडी आप शुरू से जानते हैं। तो प्लीज सेकेंड राउंड में ऐसा प्रेफरेंस चूज करना कि आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि थर्ड राउंड इस बार नहीं होने वाला है। तो ऐसा कुछ करना कि आपको सेकेंड राउंड में मिल जाए, ऐसी भगवान से इच्छा रखना, अपनी इच्छा पूरी कर लेना कि आपको सेकेंड राउंड में ऐसा हो कि कॉलेज मिल जाए। जरूर मिल जाएगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर थ्री पर। पॉइंट नंबर थ्री क्या बोलता है, यू हैव टू वेरी क्लियर दैट यू मस्ट हैव टू टेक कॉलेज इन द सेकेंड राउंड। क्योंकि अगर आप अपने MSTCET दे करके कैप राउंड में आप जाते हैं और आपका फर्स्ट कैप राउंड में नहीं मिलता, सेकंड कैप राउंड में भी नहीं मिलता, तो आपके लिए बहुत हेक्टिक का प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल में कोटा में जाके एडमिशन लेना चाहेंगे, जो कि उनका फीस जो है बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। सेकेंड राउंड में एलिजिबल जाने से पहले आप अपने प्रेफरेंस को लेवल को देख रही है, प्रेफरेंस जो आपने दिया कॉलेजेस को देखिए, आप अपने मेरिट मार्क्स को देखिए, रैंक को देखिए, परसेंटाइल को देखिए, किस कॉलेज आपके रेंज में आ रहा है और उस कॉलेज को प्रेफरेंस में डालिए। और प्लीज़ कैप राउंड टू में आपको कॉलेज मिलने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉलेजेस नहीं मिले तो बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको सेकंड कैप राउंड में एंट्री लेना है। तो बिफोर गोइंग टू सेकंड राउंड आप MSTCET के साइट पर जाइए और वहाँ से फाइनल जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे क्लिक करके आपको बहुत सारे PDF देखने के लिए मिल जाएंगे। हर एक कॉलेज का PDF देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन सा कितना सीट इनटेक है, कितना स्टूडेंट अलॉट हो चुके हैं, किस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, किस स्टूडेंट को कौन सा रैंक किस स्थान पे, कौन सा TFWS, कौन सा EWS, कहाँ कहाँ मिला, आपको सब वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँगा कि जिन स्टूडेंट को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है वो भी जाके चेक करिए, क्योंकि उनको वहाँ से मालूम चल जाएगा कि कितना सीट आपके लिए अभी वेकेंट है, आप किस कितने सीट के लिए लड़ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मार्क्स के हिसाब से देख सकते हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वन, देन उसके बाद आप कैप राउंड टू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कैप राउंड वन में नहीं मिला है कोई बात नहीं, डरिए नहीं, किसी भी जरूरत आपकी नहीं है। आपको इस चीज़ की जरूरत है कि आप अपना प्रेफरेंस लेवल को चेंज करिए और अपने कॉलेजेस को देखिए, अपने मार्क्स को देखिए, आगे पीछे जिस भी कॉलेज के आगे पीछे आ रहे हैं उनमें आप अलॉट करना भरना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो भी है आपको सेकेंड राउंड में मिल जाए। आई होप कि आपको सेकेंड राउंड में जरूर मिल जाए उन स्टूडेंट के लिए जिनको कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर आपको और भी अपडेट इन सब के साथ लेना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे दिको स्टडी ऑफिसर चैनल पर सब्सक्राइब बटन दाब के हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आपको अभी तक अपने लेक्चर शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर कर देना, ताकि सब स्टूडेंट का डाउट लेकर के जो भी है उन सबका क्लियर हो जाए। एंड अगेन आप तैयार रहना सुबह के लिए, वीडियो के लिए अगेन बहुत सुबह का जो आप कल सुबह जो आपको वीडियो मिलने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड उसे भी देख लेना, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड इतना मेहनत किया यार, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हिट द लाइक बटन कर देना, मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेट मिल जाती है। और हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, अलॉन्ग विद द सब्सक्राइब हिट द नोटिफिकेशन बेल सच दैट द वीडियो विच इज अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब विल गेट यू नोटिफाई। तो स्टूडेंट, जो भी आपको डाउट है राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल दिको स्टडी, एंड जय हिंद जय भारत।